मतलब था क्या यार ये, मतलब लास्ट के दो एपिसोड्स देखने में ना मुझे इतना फन आया। मतलब यूजुअली हम देखते हैं कि लड़के कांड करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही कांड हो रहा है, जो कि बस मैं स्पॉइल नहीं करूंगा बोल के, बट मजा आ गया मुझे एंड का देख के। मुझे पहली बार सेटिस्फेक्शन मिला और मुझे लगा फाइनली किसी बंदे ने मतलब घुमा फिरा के किसको दोषी ठहराया। वो शो देख के पता चल जाएगा तुम्हें। लेकिन मैं तुम्हें मोटा मोटी बता दूं तो शो है ना बहुत सिमिलर, कहूं तो कबीर सिंह जैसा है, और जो कैरेक्टर्स भी हैं वो जस्ट लाइक प्ले आउट भी वैसे ही कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको देख के मुझे लगा कि यार लिटरली इनको बहुत सारा पोटेंशियल था और इनको है ना ये लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे, लाइक हरी। लेकिन उसके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा ऐसे साइडलाइन कर दिया गया है, और बहुत मतलब मैं बोलूँ ना कि जहां पे ऐसा लगा कि चलो घूम फिर के यहीं पे आ रहा है, इंदौर आ रहा है, तो चलो एक सेगमेंट बाइक का जोड़ देते, तो वो वाली चीज हो रही थी उसके साथ। और इसके अलावा मैं बात करूं लाइक महेश प्लेज आउट वेरी वेल, शुरुआत के 4 एपिसोड्स में बहुत अच्छे तरीके से वो प्ले करता है, लेकिन उसके बाद भाई फिर साइडलाइन कर दिया जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनको साइडलाइन कर दिया गया, जो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा था। लेकिन अगर मैं मेजरली शो के फोकस की बात करूं तो वो ऋत्विक के कैरेक्टर पे ही है। और मतलब आई विल जस्ट से कि शुरुआत में मुझे लगा था कि ये बंदा प्ले कर पाएगा या नहीं, क्योंकि मैंने जो देखा है उन्हें फ्लेम्स में देखा है, तो आई वॉज लाइक बिट यू नो इन अ डाउट कि थोड़ा सा वैसा होगा, क्योंकि एक तरीके से वही वाला मेरे दिमाग में इंप्रेशन आ रहा था कि शाहिद कपूर को हमने जब वी मेट में देख रखा है, लेकिन जब हमने कबीर सिंह में देखा तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी था। तो वही सारा चीज है, अगर आप वो वाला स्विच और चेंज एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको ये शो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और हाँ, कहीं पर जैसा कि मैं वही कहूंगा कि हमने देख रखा है उनको एक फ्लेम्स, एक सॉफ्ट कैरेक्टर में, ये थोड़ा सा हार्श कैरेक्टर है और शो में बहुत ज्यादा गालियां हैं, जो कि मैं कहूंगा कि आप पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है यहाँ पे। इसके अलावा जिस तरीके से चीजों को, इंटेंस चीजों को ग्लोरीफाई किया गया यू नो बाय डूइंग इंटेंस सीन्स, दैट वॉजंट रिक्वायर्ड, जो कि मुझे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें लिखी थी, लाइक वो टेरिस वाला सीन जो एपिसोड 3 में उन्हें होता है, वो बहुत शॉकिंग था। वो ऐसा लगता है कि यार बहुत फेक अब जा रहा है, तो कुछ कुछ जगह पे शो फेक भी जा रहा है। ये सारी चीजें हैं शो में जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और आपका फ्लो तोड़ सकती हैं। और आयरनी की बात जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि शुरुआत में आप देख रहे हैं एक वो घर के अंदर जाता है जो टूटा फूटा होता है, और वो आयरनी मुझे बहुत ऐसे कनेक्टिंग सी लगी कि घर का नाम जन्नत है लेकिन जो जिंदगी है वो कबाड़ हो रखी है, और जो सराउंडिंग है वो भी कबाड़ है। तो देखते हैं, इसका सीजन 2 तो आएगा डेफिनेटली, क्योंकि क्लिफ हैंगर पे शो दे छोड़ के गया है हमें। तो देखते हैं कि आगे वाले एपिसोड्स और आगे वाले सीजन्स में क्या होगा। बट यस, मैं यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, एंड आई एम रियली सॉरी गाइज कि मैं प्रॉपरली अभी रिव्यूज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि देर आर फ्यू थिंग्स दैट इज गोइंग अप एंड डाउन, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड मैं ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ, तो हो जाऊँगा आने वाले टाइम में। बट यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि शो जो है आप देख सकते हो, ठीक ठाक शो है, मैं इसे आउटस्टैंडिंग नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लो और साथ ही कुछ कुछ जगह यू नो जहाँ पे कैरेक्टर को घुसने की जरूरत थी अपने कैरेक्टर में, ऋत्विक का थोड़ा बहुत जो जगह है जहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि वो अल्कोहल में, और वो बहुत डिविस्ट्रेटिंग फॉर्म में चला गया है। मतलब शो देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में है, कहीं पे भी पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं घूम आ रहा है, और साथ ही जो शो है वो एक ही टॉपिक को लेके रिवॉल्व हो रहा है, लाइक एंड तक कोई जर्नी प्रोसीड नहीं कर रही है, हम घूम फिर के बस उसी डॉट पे पहुंच रहे। तो ये चीज थी जो मुझे एंड तक बक कर रही थी, और मेरा मेन कंसर्न वही था कि यार हम घूम फिर के वहीं पर क्यों पहुंच रहे हैं, इसके आगे क्या नहीं पहुंच सकते, और इसके अलावा क्या शो में कुछ और ट्विस्ट नहीं हो सकता, बस वही सेम चीज वही सेम चीज वही सेम चीज, जो कि आप इससे इरिटेट होने वालों। खैर, ये सारी चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये जरूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। एंड एज ऑलवेज एस